और मुकम्मल हम सबका है जालिम की, जिसने इस मुल्क का हुलिया बिगाड़ के सामने रख दिया। बात न करो तुम मुल्क के साथ और इस कौम के साथ इंसाफ नहीं होगी। जिसने अपनी पूरी सियासी कैरियर झूठ पर, प्रोपेगंडों पर और गलत बयानी पर लगा दिया, वही इमरान खान पाकिस्तान की आवाम और नौजवानों को वो गलत करोड़ नौकरियां मिली, कितने करोड़ घर, लाख तामीरों सा इंसाफ और अदर मेरिट और इंसाफ। पूरी सियासत सिर्फ झूठ और प्रोपेगंडों पर, बेरूनी दुनिया में बैठकर एजेंट्स पाकिस्तान की आदमी इस्तेहकाम में छोड़ा साइफर के नाम से मेरे हुकूमत के खिलाफ साजिश करके और इन तमाम मिंबरान से डील करके और मेरी हुकूमत को खत्म कर। मैंने झूठ बोला था, अमरीका ने कोई झूठे शख्स का साथ देना न इस्लाम में जाओ का, इस तरह झूठे शख्स का साथ पर जिस तरह दबाव डाला अगर मुझे खैर है, मगर इमरान खान का कुछ उसकी सियासत चले गोली वही आपकी तरफ से आती है, उसके स्टेज सिग्री के चेहरे पर लग जाती है और वही गोली गिर के नीचे उसके टांग में लग जाती है। कैसे झूठे शख्स, अगर ये मुल्क रहे तो हम रहेंगे, ये पाकिस्तान में डाके और चोरिया नहीं की। काम में आपने सब उसकी अंदर घर से क्या क्या नहीं हुआ, बाहर उसके टीम और दलालों ने क्या तक खाना काबा की तस्वीर लगे हुए नए सूबे के साथ। इंसाफ है, हमें सबसे पहले पाकिस्तानी बनना है और मुल्क के साथ मुखलिस है। कौन इस मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहा है? क्या ये हमारे दौर में हुआ है कि इसके जिम्मेदार लीग नून और कभी नहीं, उसका वही झूठा जिम्मेदार है उनके, जितने कर्जे उसने अपने 3.5 साल दौर में लिए पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक नहीं लिए, मगर उसका कोई नाम उसे इस्तीफे देते और फिर आगे गेट में बैठ जाते कि नहीं हमने हमने दिए ही नहीं अपने दस्तखतों से, मुनकर हो जाते। इस तरह झूठ बने जिन्होंने इस मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियां दिए, उसकी टीम की, उसकी बेटी, उसके भाई शहबाज शरीफ साहब से लेकर हम जैसे वर्करों ने सब कुछ फेस किया, मगर अल्लाह के सारे इस मुल्क की खातिर और कौम की खातिर उसके सामने डट कर खड़े हुए, आइंदा भी खड़े रहेंगे। और हमारा ये सोच और फिक्र हमारी कायद की कि इस मीडियन पाकिस्तान है और पाकिस्तान को दोबारा इंशाल्लाह इस मुश्किलात से निकलकर दोबारा ट्रैक पर करने नहीं मुल्क बचाने। नाती शहबाज शरीफ जैसे लीडर की लीडरशिप में जो दिन रात सिर्फ काम करना जान